स्वागत है स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए वॉल हैज टू लेयर्स ए एंड बी इच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स द लेयर ए इज टेन सेंटीमीटर थिक एंड बी इज ट्वेंटी सेंटीमीटर थिक द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज थ्राइस दैट ऑफ बी अंडर थर्मल कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द दॉल थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लेयर ए इज तुम इसको ऐसे बना लो पहले कि मान लो ये ए है जिसका थिकनेस है दस सेंटीमीटर और इसका थर्मल कंडक्टिविटी बोला था कि दर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज़ थ्राइस दैट ऑफ बी तो थ्री के मान लो और साथ में एक और लेयर बना दो बी का ऐसे बी का लेयर है तो इसका जो थिकनेस है ये है बीस सेंटीमीटर और इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है यहाँ का टेम्परेचर है टी वन और यहाँ का टेम्परेचर है टी टू तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मतलब टी वन माइनस टी टू का जो वैल्यू है ये थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है स्टेडी स्टेट है तो पूछ रहे कि जो जंक्शन है ये जो जंक्शन यहाँ पे बना है इसका टेम्परेचर टी कितना होगा तो जो हीट करेंट इससे पास होगा वही हीट करेंट इससे भी पास होगा और वही ए टू बी पूरा के अक्रॉस भी पास होगा तो हम एक काम करते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक फार्मूला जो हमने पढ़ा था एच इज़ इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा l एल ये हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ठीक है तो इस फार्मूला को अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसमें एच को डेल्टा थीटा बाई एल अपन के ए नीचे ला के ऐसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये जो एल अपॉन के ए है ये एक्चुअल में थर्मल रेजिस्टेंस है ये फार्मूला तुम्हारा कंपेयर होके आता है जैसे डेल्टा इक्वल्स टू तुम आई आर पढ़े थे या फिर आई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई आर पढ़े थे ओम्स लॉ में तो ये हीट करेंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये रेजिस्टेंस है उसी तरह से ये ये इलेक्ट्रिक करेंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये रेजिस्टेंस है तो उसी तरह से ये हीट करेंट है ये टेम्परेचर डिफरेंस है और ये रेजिस्टेंस है मतलब सेम सेम फॉर्मूला कॉमन वहाँ पे कॉम्पेयर होके आता है तो अगर हम लिखते हैं फॉर फॉर पूरा इस एंड से लेके इस एंड तक तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है फॉर दी एंड्स ऑफ ए एंड बी द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल सॉरी सीरीज तो ये पूरा ए और बी कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर ए है और इसका आर बी है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर ए प्लस आर बी तो आर ए प्लस आर बी का मतलब क्या हो गया एल बाई के ए तो इसका एल क्या था दस सेंटीमीटर अपॉन के का वैल्यू थ्री के था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ठीक है यहां तक हमने लिख दिया दूसरा जो है वो क्या है ट्वेंटी सेंटीमीटर अपॉन के इंटू ए तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम थ्री के ए आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टेन प्लस थ्री इंटू टू सिक्सटी तो सेवेंटी अपॉन थ्री के ए तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस मेरा आया इस एंड से लेके उस एंड तक आया तो ऐसा हम क्यों निकाल रहे ताकि हमको हीट करेंट मिल जाए हीट करेंट क्या था डेल्टा थीटा बाय आर तो हीट करंट यहाँ से आ जाएगा डेल्टा थीटा 35 डिग्री बोला था और आर इक्विवेलेंट हम पूरा इस एंड से उस एंड तक निकालें जो क्या है सेवेंटी बाई थ्री के ए ये कितना आ जाएगा पाँच थी पंद्रह एक सौ पाँच या पहले काट लो पैंतीस दो नहीं सत्तर तो कट ही जाएगा थ्री के ए बाई टू लिख दो थ्री के ए बाई टू ये मेरा हीट करंट आ गया इस एंड से लेके उस एंड तक अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा देखो अगर हम यहाँ से यहाँ का बात करें तो भी हीट करंट एच ही होगा तो फिर से यूज करो कि एच बराबर डेल्टा थीटा बाई आर फॉर एंड्स एक्रॉस ए ए के लिए हम लिख रहे हैं तो एच का वैल्यू कितना था थ्री के ए बाई टू डेल्टा थीटा इस तरफ का टेम्परेचर जो था वो डेल्टा थीटा बाई आर का वैल्यू कितना है हमारा लेंथ यहाँ पे दस है एल बाई के आ गया तो यहाँ से के कैंसल के कैंसल ए कैंसिल ए कैंसिल थ्री कैंसल, कैंसल थ्री कैंसल, कैंसल तो इधर वन बाई टू बच रहा है इधर डेल्टा थीटा बाई टेन तो डेल्टा थीटा यहाँ पे कितना आ गया टेन बाई टू जो आ गया पाँच डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे से पूछा था कि देंपरेचर द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एक द लेयर ए इज तो ए के अक्रॉस पाँच डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस है और आई होप ये क्वेश्चन तुम समझ होगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग